Assalamu alaikum and welcome to my show. And you're listening to Weekly Dose. This is me, Anam Tariq. I come up with new book and new riddle every week. Across the world, wherever you are, if you wish to contact us or join us, you can comment on our Facebook page, that is facebook.com/sabkasath and facebook.com/naisubhainstitute. तो अब बात करते हैं रिडल्स पर. प्रीवियस वीक हमारी रिडल थी, आई फिल अप द रूम बट टेक अप नो स्पेस. इसका आंसर दिया है बहुत सारे लोगों ने और करेक्ट आंसर है लाइट. आज भी हमारे पास एक रिडल है, व्हाट स्टार्ट्स विद ए पी एंड एंड्स विद एन ई एंड हैज ए मिलियन लेटर्स इन इट. Comment us and tell us the answer of this riddle. All right, अब बात करते हैं books पे. Reading एक बहुत ही essential habit है, जिससे हमें बहुत ही benefits हो सकते हैं. क्या आप जानते हैं दुनिया के अमीर तरीन और successful लोगों की habit है reading habit. तो अगर हम भी successful होना चाहते हैं, तो हम अपनी reading habit को develop करेंगे. आज जिस बुक पे बात करने वाले हैं, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसके ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी. इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग और कैची नेम है ना. तो हम देखते हैं इस बुक में है क्या. उससे पहले अगर आप कोई बुक सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं. रिच डैड पुअर डैड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1997 एंड quickly became must read for people interested in investing, money and the global economy. The book has been translated into dozens of languages, sold around the world and has become the number one personal finance book. The overarching theme of Rich Dad Poor Dad is how to use money as a tool for wealth development. रॉबर्ट कियोसाकी के दो फादर्स थे, एक उनके खुद के जिनको वो पुअर डैड कहते थे और दूसरे उनके फ्रेंड माइक के फादर जिनको वो रिच डैड कहते थे. उनके पुअर डैड ने पीएचडी किया था और फिर स्कॉलरशिप पे अपनी एडवांस स्टडीज भी कंप्लीट की थी. उनके रिच डैड 8th ग्रेड ड्रॉप आउट थे. रॉबर्ट के पुअर डैड ने हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल किया, जबकि उनके रिच डैड अमेरिका के अमीर तरीन आदमियों में से एक बने. मरते वक्त पुअर डैड ने अपनी फैमिली के लिए अनपेड बिल्स छोड़े और रिच डैड ने अपनी फैमिली के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़े. पुअर डैड कहते थे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते और रिच डैड कहते थे कि हम किस तरह से अफोर्ड कर सकें ये रास्ते ढूंढे. पुअर डैड कहते थे कि पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि जॉब मिले. रिच डैड कहते थे कि कुछ ऐसा करो कि जॉब्स प्रोवाइड कर सको. दोनों डैड्स की पैसे के मामले में सोच बिल्कुल ही डिफरेंट थी. तभी रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में ये डिसाइड किया कि वो रिच डैड की सुनेंगे. जो कुछ भी रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखा, उन्होंने इस बुक में सब कुछ लिख लिया. Alright, आगे बढ़ने से पहले हम अपनी रिडल को दोबारा से रिकॉल करवा देते हैं, जो कि है What starts with a P and ends with an E and has a million letters in it. कमेंट में इस रिडल का आंसर बताएं और मेरे शो को लाइक करें, शेयर करें. चलते हैं हम अपनी बुक की तरफ. Chapter 1, The Rich Don't Work for Money. इसका मतलब ये नहीं कि रिच जो होते हैं वो काम ही नहीं करते. इसका मतलब ये है दैट रिच डोंट वर्क फॉर मनी, पैसों के लिए काम नहीं करते. जैसे कि रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी से कहा कि मिडिल क्लास और पुअर वर्क फॉर मनी एंड रिच हैव मनी वर्क फॉर देम. इमेजिन करें दो टाउन्स हैं, टाउन ए और टाउन बी. इन दोनों टाउन्स में बिल्कुल भी पानी नहीं है. थोड़े से फासले पर इन दोनों टाउन्स के बीच में एक रिवर है. जॉन
जो टाउन ए में रहता है वो डिसाइड करता है कि वो अपने टाउन में पानी लेकर आएगा कुछ भी करके। तो वो कुछ बकेट्स रिवर से जाकर भरता है और अपने टाउन में लाकर बेचता है। दूसरी तरफ स्टीफन जो टाउन बी में रहता था, उसने 6 months एक फर्नर बनाने में लगा दिए जो कि रिवर से उसके घर तक आती थी, और इन 6 months में उसने कोई भी पैसे नहीं कमाए। जब उसका काम कंप्लीट हो गया और उसने जब पानी बेचना शुरू किया तो उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लग गया। इस स्टोरी में ट्विस्ट आया जब जॉन बीमार हो गया और वो रिवर तक जाकर पानी नहीं ला सकता था, तो उसका काम खत्म हो गया, जबकि स्टीफन का काम चलता रहा क्योंकि उसने एक परमानेंट सलूशन निकाल लिया था। स्टीफन ने जो एक परमानेंट सलूशन निकाला था उसकी वजह से उसके पैसे खुद ब खुद जनरेट हो रहे थे, और जॉन जो कि जब खुद काम नहीं कर सक रहा था उसकी इनकम रुक गई। इट इज कॉल्ड एसेट। ज्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं जबकि अमीर लोग उसके लिए एक सिस्टम बनाते हैं जिससे ऑटोमेटिकली इनकम जनरेट होती है। सो ऑथर यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ 2 इमोशंस पर रिलाई करती है, फियर एंड डिजायर। पैसे ना होने का और बिल्स ना पे कर पाने का डर हमें जॉब्स ढूंढने पर मजबूर करता है। जब हमें जॉब्स मिल जाती हैं और हम पैसे कमाने लग जाते हैं तो डिजायर्स जनरेट होने लग जाती हैं। तो हम वो सब महंगी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं जो हमारी ख्वाहिश होती हैं, और इन सब एक्सपेंसेस के बाद हमें फिर पैसे खत्म होने का डर लगने लग जाता है। तो ये एक सर्कल बन जाता है, हम काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर हम खर्च कर देते हैं, और फिर मंथ के एंड में हम फिर जीरो पे होते हैं, और इसे रैट रेस कहते हैं। जब हम इस खौफ पर काबू पा लेते हैं तो ही हम कुछ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डोमिनेटिंग फियर। बिना डरे हम एसेट को बिल्ड कर सकते हैं, और डोमिनेटिंग डिजायर हमें फजूल खर्च करने से रोकता है। सो पे अटेंशन, हाउ फियर एंड डिजायर प्ले अ रोल इन योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड अवॉइड रैट रेस। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपना एक मेंटोर बनाया जो कि थे उनके फ्रेंड के डैड, जिनको वो रिच डैड कहते थे। इनसे इन्होंने पैसे बनाना सीखा। दीज आर 3 एसेंशियल की पॉइंट्स दैट रिच डोंट वर्क फॉर मनी, अवॉइड रैट रेस एंड फाइंड ए मेंटोर फॉर यू। इस बुक में और भी बहुत सारे लेसन्स हैं जिन पे हम बात करेंगे नेक्स्ट शो में, तो डोंट miss that show as well and keep connected. See you in the next show. Till then, Allah Hafiz. Take care.